नमस्कार, खुरानास फोरम में आपका स्वागत है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर विदु विनोद चोपड़ा लगभग पिछले 50 साल से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और इनके डायरेक्शन में बनी फिल्म परिंदा और 1942 अ लव स्टोरी बहुत बड़ी कमर्शियल हिट्स थी। अब इनकी नई फिल्म 12th फेल रिलीज हुई है जिसे इन्होंने डायरेक्ट किया है, बट कोई बहुत बड़ी स्टार कास्ट इसमें नहीं है और फिल्म के प्रमोशंस पर भी कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया है, लेकिन दर्शकों को यह फिल्म बहुत पसंद आ रही है। इसकी कहानी आधारित है IPS श्री मनोज कुमार शर्मा जी के जीवन पर और उनके जीवन पर लिखे गए उपन्यास 12th फेल पर ही यह फिल्म बेस्ड है। 4 साल पहले जी बिजनेस को दिए गए इंटरव्यू में IPS श्री मनोज शर्मा ने अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताया था। ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहेंगे, बेकार है, धरती पर बोझ है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक बारहवीं फेल स्टूडेंट जिंदगी में आपको एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर बनकर दिखा दे और हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्जाम्स पास करे, डॉक्टरेट की डिग्री ले, तो फिर क्या कहेंगे, अरे ये कमाल कैसे हो गया। जी हाँ, आज ऐसा ही जीता जागता साक्षात कमाल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जिस फॉर्मूला से आपने 9th, 10th, 11th पास की, वो फॉर्मूला 12th में काम नहीं आया। नहीं आया। क्या हुआ कि हम लोग तय करके रखे थे कि 12th में अच्छी नकल से पास हो जाएंगे। नकल की तैयारी बढ़िया, नकल की तैयारी पूरी रहती थी हमारे यहाँ, कम्प्लीट बड़े हमसे 10 थे। कहाँ गाइड रखनी है, कहाँ छुपानी है, कैसे, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा था कि बोर्ड पे लिखा जाता था बाकायदा। अच्छा। और बोर्ड पे लिखने में लोग लिख नहीं पाते थे। तभी ऐसा हो गया कि हमारा ये था कि बस 12th पास हो जाएंगे, थोड़ा परसेंटेज बन जाएंगे, टाइपिंग वगैरह सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं चिपक जाएंगे। ये बेसिक बेस रहता है, कहीं कहीं चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये चिपक वाला वर्ड ये पूरा मध्य प्रदेश का एकदम। तो चिपकने का मतलब ये है कि कोई ना कोई आपको ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे आपका जीवन यापन चल सके। पर अनफॉर्चुनेटली जो SDM साहब आए थे, वो SDM साहब इस बार नकल नहीं चलने देने के मूड में थे। अच्छा। और उन्होंने हमारे स्कूल को एकदम टारगेट किया हुआ था। ओके। और जब वो एग्जाम देने के टाइम पे है वहां के बैठ गए और हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर सब हाथ जोड़ रहे हैं और हमारे यहाँ का जो थानेदार था, इसको बोलते हम लोग हमारे यहाँ पर इंस्पेक्टर, वो भी आगे पीछे घूम रहा है सर करने दो, शायद करने। तो वो उसने कहा नहीं, हम नहीं चलने देंगे। तो मुझे लगा इतना पावरफुल आदमी कौन है भाई, जिसके सामने पूरा स्कूल झुका हुआ है। अच्छा। हमारे लिए प्रिंसिपल बड़ा आदमी था। हाँ, सही बात है, नेचुरली। हाँ। तो अब इतना बड़ा आदमी भी कोई होता है क्या? हाँ। तो हमने पूछा भाई ये क्या है? हाँ। तो मालूम चला कि ये एक एग्जाम होता है। हाँ। जिसे एग्जाम में पास होने के बाद इतना ही पावरफुल आदमी बन जाता है। तो मैंने कहा वहां से आपको समझ में आया कि UPSC का एग्जाम भी कोई चीज है। तो मुझे लगा कि इतना पावरफुल बनना है अपन को, बस ये सब क्या, ये फालतू की चीजें नहीं करना है। उसमें एक बहुत अच्छी चीज क्या हुई कि जब मैं, मेरे दिल पे लगा और मैं ग्वालियर पढ़ने के लिए आया, मुझे याद है मैं 500 रुपए लेके आया था और एक थैला लेकर के आया था। ओके। और मेरा ग्वालियर में कोई नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था ग्वालियर। अच्छा। और आने के बाद मुझे 3-4 दिन ऐसे गुजारने पड़े जिनमें कि मैं एक मंदिर के पास में रहता था और जहां मंदिर के आसपास जो भिखारी वगैरह रहते थे उनके साथ ही सोता था मैं। तो ग्वालियर से फिर ग्रेजुएशन आपने वहां पर किया, उसके बाद की यात्रा कहां, दिल्ली की पहुंची। लेकिन दिल्ली में 2 समस्याएं आई। एक समस्या आई कि दिल्ली रहने के लिए बहुत महंगा था, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तो उसके लिए फिर मेरे पास ये विकल्प था कि मैं कुछ काम करूं। काम मुझे इस रूप में मिल गया कि मुखर्जी नगर में कुछ अच्छे बड़े घरों में लोग कम रहते थे, उनके डॉग्स रहते थे, कुत्ते। अच्छा। तो उन डॉग्स को बाहर घुमाने के लिए कोई आदमी नहीं था उनके पास, तो मैंने ये काम ले लिया कि मैं घुमा के लाऊंगा 1-2 घंटे और वहां पर उनको घुमाने के लिए सबने भी घूम लूंगा और उसमें मुझे 400 रुपए पर कुत्ता देंगे वो लोग। क्या बात। तो उससे मेरा रहने का और खाने का खर्चा आ गया। प्लस दूसरा एक समस्या आ गई कि आपको आता नहीं तो कोचिंग कैसे करें। तो मेरे एक सर थे विकास देव कीर्ति, जो दृष्टि भजन चलाते, उन्होंने कुछ ऐसी कृपा की कि मुझे बिना पैसे के एडमिशन दे दिया। क्या बात। क्योंकि यह कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी एंड इट विल बिकम अ कमर्शियल हिट ऑल्सो।